राजधानी शिमला के कृष्णा नगर में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बर्तन बजाकर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने निगम की महापौर कुसुम सदरेट का पुतला भी फूंका। शिमला में पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 6-7 दिनों तक पानी की आपूर्ति न होने से लोगों में भारी रोष है। पानी की समस्या के चलते रविवार को शिमला के कृष्णा नगर में लोगों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बाल्टियां बजाकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट का पुतला भी फूंका। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें 6-7 दिनों तक पानी की किल्लत से दोचार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द पानी की समस्या से निजात नहीं मिली तो वे नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान उन्होंने महापौर के इस्तीफे की भी मांग की। स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके वार्ड में गंदगी के पसरे होने से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि नगर निगम को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। दिनों से कृष्णा नगर में पानी की एक बूंद भी नहीं आई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मजबूर है। कोई बॉडी पे जा रहा है, कोई बैमलोई से पानी जा रहा है, तो जिस वजह से मेयर साहिबा तो चाइना गए हुए हैं, उनको जनता से तो कोई लगाव दिखता नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से आज हमने उनका पुतला, नगर निगम ने यही रवैया रखा कृष्णा नगर के साथ, तो हम नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और भी आंदोलन करें। जब नगर निगम विफल है अपने कामों से, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई पानी का कुछ भी इस नगर निगम के बस का कार्य नहीं रहा, लगता है कि इन्हें अब इस्तीफा दे ही देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।